नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर होगी कठोर कार्यवाही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शंकरगढ़ थाना परिसर में नवनिर्मित विवेचना कक्ष का उद्घाटन करते हुए जनमानस की पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने प्रधानों, व्यापारियों तथा जनमानस से अपराध पर नियंत्रण लगाने हेतु दुकानों व गाँव तथा कस्बे के मुख्य मार्गों पर उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पुलिस का प्रमुख कार्य अपराध पर अंकुश लगाना तथा अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम का लाभ लेने तथा महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा में पुलिस के सदैव तत्पर होने की बात कही। थानाध्यक्ष अपराधियों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखने को कहा। परिषद में बने महिला हेल्प डेस्क में अभिलेखों की जांच कर महिला पुलिसकर्मी को पीड़ित महिलाओं की मदद करने का सख्त निर्देश दिया। एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित ने कहा है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जब तक आम जनमानस व पुलिस के बीच आपसी तालमेल नहीं होगा, आपराधिक घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए अपने आसपास महसूस होने वाली आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित, क्षेत्राधिकारी बारा संतलाल सरोज, थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पीपी जीसीएल एचआर हेड अमित सिंह व निशांत सिंह, ब्लॉक प्रमुख निर्मला देवी, सांसद प्रतिनिधि व सभासद सुधा गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार छेदीलाल, महामंत्री रतन केशरवानी, उपनिरीक्षक ऋतुराज सिंह, चौकी इंचार्ज गंगाराम सोनकर, एसआई अमरेंद्र सिंह, एसआई दीपक सिंह, एसआई जीत वर्मा, एसआई सुमित वर्मा, हेड मुहरीर संतोष तिवारी, संदीप मिश्रा, बीडीसी दिवाकर सिंह, ग्राम प्रधान गुलाब सिंह, फैजान अली, ज्ञानेंद्र मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, पृथ्वीराज साहू, पप्पू सिंह, सुभाष कुमार, मंगलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष कुलदीप पटेल, अखिलेश सिंह, राजेश किशरवानी, गुड्डा मिश्रा आदि रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिली, तो हमारी अपेक्षाएं उनके बारे में उद्देश्य यह है कि आपसी समन्वय सहयोग से कम्युनिटी पुलिसिंग की जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं उसको और सुदृढ़ बनाना है और अपराध नियंत्रण बेहतर कानून व्यवस्था जो परिकल्पना है उसको पूरा करना होगा। शंकर थाने का आपने निरीक्षण किया है, देखिए अभी तो सच निरीक्षण पहली बार आज थाने पर आया हूँ, उसको भ्रमण करके देखा हूँ, उसमें कई सारी स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त आने वाला है, इसको लेकर के क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि घर घर तिरंगा जो अभियान है उसमें सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएँ। हम लोग एक गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका गौरव और बढ़े, हम ऐसे काम करें जिससे राष्ट्र का गौरव और बढ़े और अपने आचरण आचरण को अच्छा रखें, लोगों एक दूसरे का सहयोग करें, राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।